हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग डीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करते समय स्टूडेंट्स को किन इश्यूज को फेस करना पड़ता है उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चैनल सब्सक्राइब ना होने की वजह से बहुत सी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं तब हम लोग बहुत ही टेंशन में होते हैं कि हमें कैसे अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करना है। तो उसमें हम लोग लूप होल्स ढूंढने लगते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन इशू आता है डीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हुए, वो आता है कि डीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक कॉमन टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस होता है। तो वो इस बेसिस पे नहीं कंडक्ट कराया जाता कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा। तो एक कॉमन पेपर ही होता है। उसके लिए क्या होता है, स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने लास्ट ईयर के पेपर्स जो हैं वो गो थ्रू कर लेनी चाहिए। जब आप लोग लास्ट ईयर के पेपर्स को गो थ्रू करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चंस बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है यहाँ पर कि अब आप लोगों ने देखा होगा कि बुक्स और ऑथर्स पे हम लोगों ने चाहे कितना 6 to 12 का सारा सिलेबस गो थ्रू कर लिया, सब पढ़ लिया, उसके बाद भी बहुत से बुक्स और ऑथर्स के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनका हमें आइडिया ही नहीं होता, या हम उनको बिल्कुल भी गेस भी नहीं कर पाते कि ये इस बुक जो है इस ऑथर की होगी या इस ऑथर ने ये बुक लिखी होगी। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस होते हैं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स के स्टूडेंट 11th 12th के बुक्स में से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए बहुत टफ रहता है। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है, हम लोग नहीं गेस कर सकते कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस और कहाँ से पूछे जाएंगे, हम कितना प्रिपेयर करें। एंड सेकेंड जो इशू आता है कि वो ये होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, टू मैनी सब्जेक्ट्स इन डीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर हमें उसे प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अब 6 to 10th का सिलेबस ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके बाद 11th और 12th कवरअप करना तो बहुत टफ रहता है। तो अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होना और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होना तो एक बहुत बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, मतलब कैसे मैनेज होगा, मतलब ये पेपर तो बहुत टफ है, कैसे निकलेगा। तो ये दोनों जो है कॉमन इश्यूज़ हैं जो हर बच्चा जो है वो फेस करता ही है। तो इन इश्यूज से कैसे हमें ओवरकम करना है हम इस वीडियो में उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि स्मार्ट स्टडी के ऊपर। स्मार्ट स्टडी कहा जाए तो इसे टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो सिलेबस को मैनेज करके ही पढ़ना होगा। स्मार्ट स्टडी करना है हमें, अगर हमसे ऐसा नहीं हो सकता, हम बोलते हैं ना हमने बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन फिर भी हमारा पेपर क्रैक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्मार्ट स्टडी नहीं की। स्मार्ट स्टडी का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर करने से पहले एक सबसे अच्छा जो है रूल है, रूल नंबर 1 ये है कि हमें सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू कर लेना चाहिए। आप लोगों को डीयू बीएड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, उसमें मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोगों को सारे जो है वीडियोज़ वो बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं उन सब वीडियोज़ को। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जब आप लोग गो थ्रू करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि हाँ कि हमारा हम इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, इस सब्जेक्ट ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो हम इसे थोड़ा बाद में भी प्रिपेयर कर लेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, और अभी हमें अपने टफ एरियाज पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। अभी हमारे पास मैक्स 4-5 months हैं, तो हम लोग बहुत ही ईजिली अपना सिलेबस मैनेज करके बहुत ही एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन करने पे और कैसे हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अभी हमारे पास बहुत टाइम है, लॉकडाउन है, तो हम लोग आराम से घर पे बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हैं, तो आप लोग एक सिलेबस मैनेज कर लीजिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बहुत से जनरल टॉपिक्स हैं जैसे रीजनिंग, लास्ट ईयर अभी जो 2020 में पेपर हुआ है 10-11 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में से आए हैं, और जो 1 question होता है वो 4 mark का होता है। तो देखिए कितना मतलब मेजर स्कोप है, अगर आप लोग जनरल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लें तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब आपके 10-11 रीजनिंग के क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। पैसेज बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत जनरल है, उसके लिए आप बहुत ही जनरल पैसेजेस जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए, उससे आपका करंट अफेयर पैसेज ये सब जो है एक साथ रेडी हो जाएगा।
उसके बाद आपने क्या करना है, अगर अपने नोट्स बनाते रहना है साथ साथ, क्या करोगे, जैसे आप लोग सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले अपना सारा जो है SST कवर अप कर लिया, मेन मेन पॉइंट के नोट्स बना लिए, कि पेपर के एंड में बस आपको वो ही रीड करना है। ऐसी मैथ्स की प्रैक्टिस करती रहनी है, मैथ्स को डेली 2-1 घंटा, जिससे कि आप जो है मैथ्स के क्वेश्चंस को ईजिली कवर अप कर पाओ। ऐसे ही साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो भी अपने बेसिक जो है इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आप लोगों को लास्ट के टाइम पे इजी रहे। अभी 4-5 मंथ्स है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन जो है वो आराम से कर सकते हैं। बस आज की वीडियो इतनी ही। अगर आप लोगों को स्टिल कोई भी डाउट है कि अगर और चाहिए कि नहीं मैम आप इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बताइए, तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर एंड टेक केयर।